दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि दुनिया में 99% लोग अपने ही गुस्से के कारण खुद दुखी रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, गुस्सा आता नहीं, हम खुद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। चलो, ये बात मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखाता हूं। आपके ऑफिस में बॉस ने जब आपको डांटा था तो आपने चुपचाप जी सर जी सर जी सर करके सुन लिया था। क्यों, सुना था कि नहीं सुना था, या फिर आपने कुछ रिएक्ट किया था? नहीं किया था ना, आपने केवल चुपचाप सुना, क्योंकि आपको पता था कि गुस्सा किया तो नौकरी जाएगी तो खाऊंगा क्या, पैसे कहां से लाऊंगा, परिवार कैसे चलाऊंगा। इन थॉट की वजह से आपने गुस्सा नहीं किया। परंतु घर पर जब सब्जी अच्छी नहीं बनी, वहां पर आपने गुस्सा किया। क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि यहां मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, यहां कोई मेरा बॉस नहीं है, यहां मैं गुस्सा कर सकता हूं। घर पर तुमने अपने बीवी को डांटना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं चलता ये सब्जी मुझको नहीं पसंद है? कितनी बार बोला है तुम्हें, कितनी बार समझाया, समझ में नहीं आता? तो दोस्तों, इस तरह की बातें तुम अपनी वाइफ के साथ करके अपनी वाइफ पे अपना सारा गुस्सा निकालते हो। तो दोस्तों, यहां एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कहां गुस्सा करना है, कहां गुस्सा नहीं करना है, ये तुम खुद डिसाइड करते हो। वैसे दोस्तों, हे हम बड़े स्मार्ट, जहां हमारा नुकसान हो रहा होता है वहां हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, परंतु जहां हमारा नुकसान नहीं हो रहा होता है वहां हम भरपूर गुस्सा करते हैं। आपने सुना मैंने अभी अभी क्या कहा? फिर से दोहराता हूं, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा, जहां हमारा नुकसान नहीं हो रहा होता वहां हम गुस्सा कर देते हैं। यही बात बोली थी ना मैंने, आपने नोटिस की होगी। पर दोस्तों, सच बताऊं, ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं होती जहां गुस्सा करने की वजह से हमारा नुकसान नहीं होता हो, क्योंकि गुस्सा करना अपने आप में ही सबसे बड़ा नुकसान है। गुस्सा करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपना आपा खो देते हैं, आप अपनी मनोस्थिति यानी मन को खराब कर देते हैं, आपको एकाग्रचित्ता यानी कंसंट्रेशन आपकी खत्म हो जाती है, आप किस काम से जाते हैं, क्या काम करके आ जाते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल भटक जाता है, आपका ध्यान कहीं लगता ही नहीं गुस्से की वजह से। और सीधे शब्दों में बताऊं तो गुस्से की वजह से आपकी जिंदगी नर्क बनने लग जाती है। इसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, यह बात सत्य है। तो दोस्तों, आपको खुद को भी बताएं कि गुस्से की वजह से किसी और का नुकसान नहीं होता, केवल और केवल आपका ही नुकसान होता है, वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। इसलिए दोस्तों, आपको गुस्से से बचने का एक सरल सॉल्यूशन यानी एक सरल मंत्र बताता हूं, इसे आप जिंदगी भर याद रखना और आप मुझे जरूर याद करोगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब भी आपको गुस्सा आए, तो खुद को बोलना, खुद को एक बात कहना कि मुझे गुस्सा 8 घंटे बाद करना है। जैसे ही सब्जी आपको अच्छी नहीं लगे, खुद को बोलो, नहीं अभी नहीं, 8 घंटे बाद गुस्सा करूंगा। जैसे ही आपको किसी ने कुछ गलत बोला, खुद को बोलो, अभी नहीं, 8 घंटे बाद गुस्सा करना है। जब भी गुस्सा आए, गुस्से को बोलो 8 घंटे बाद आना। दोस्तों, इससे यह होगा कि जिसने आपको बुरा भला बोला, जिसने आप पर गुस्सा किया, उसको अगर आप उसी वक्त जवाब दे देते तो आपका रिश्ता बिगड़ जाता, आपकी सिचुएशन खराब हो जाती। लेकिन जब आप बोलोगे 8 घंटे बाद गुस्सा करना है, तो आप नोटिस करोगे कि 8 घंटे बाद जिसने आपको बुरा भला कहा था उसकी मनोस्थिति ही चेंज हो जाएगी, वो आपसे आके सॉरी मान लेगा। और आप सोचोगे ये क्या चमत्कार हो गया, मैंने तो गुस्सा किया ही नहीं। गुस्सा नहीं करने से सामने वाला जिसने आपको बुरा भला कहा था वो आपको सॉरी बोलने आ गया। तो ये होता है गुस्सा कंट्रोल करने का फायदा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 8 घंटे बीत जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी जीना कितना आसान हो गया है, चारों तरफ कितनी शांति ही शांति है, और दूसरे सारे लोग जो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते थे, आपको बुरा भला कहते थे, इस मंत्र को अपनाने के बाद वो सारे आपको मूर्ख नजर आएंगे। और जब आपको वो मूर्ख नजर आने लग जाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि मूर्खों से क्या बहस करनी, आप उनको अवॉइड करने लग जाएंगे।
दोस्तों, इस मंत्र को अपनाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहे हैं। आपका चित्त शांत रहने लग गया है, आपका मन शांत रहने लग गया है और आप महसूस करेंगे कि शांति जो आप बाहर ढूंढ रहे थे किसी और के पास, आप सोच रहे थे कि वहाँ बैठने से मुझे शांति मिल जाएगी, उससे बात करने से मुझे शांति मिल जाएगी, तो आप महसूस करेंगे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, शांति आपके भीतर ही थी, बस आपको उसको बाहर निकालना था। और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि शांति तो मेरे अंदर थी और मैं ढूंढ बाहर रहा था। आप अपने आप में संपूर्ण हो जाएंगे और जब आप संपूर्ण हो जाएंगे तो सफलता संपूर्णता के साथ ऑटोमेटिकली आती है। आप शांति के साथ धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।